हाँ बार बार बोलता हूँ, और सदन में हमने भाषण दिया था मेन बजट पे, और मेन बजट पे भी बजट के बात को बोलते हुए फिर इन सारी बातों को भी हमने रखा था, और हमको पूरा उम्मीद था, पूरा विश्वास था कि हमारी सरकार और हेमंत सोरेन यहाँ पर एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, पैसा एक्ट का नियमावली बनाएंगे, और 1932 के आधार पर ये खतिया स्थानीय नीति बनाएंगे और नियोजन नीति बनाएंगे। लेकिन आज तक स्थानीय नीति नहीं बन पाया, तो पर जब स्थानीय नीति नहीं बना तो फिर नियोजन नीति कैसे होगा? किसको आप चिन्हित किया है कि वो यहाँ का है आदमी है? हमको याद है, और आप लोग साथ सुने होंगे या देखे होंगे, 2014 में भी एक कमेटी बनी थी स्थानीय नीति बनाने के लिए, और उसमें मैं भी था, गीता सरीवरा भी थी, चंपे सोरेन थे, और बहुत सारे विधायक लोग थे, राजेंद्र बाबू भी थे। उस समय हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, बंगाल का, पंजाब का, सारे स्टेट का हम लोगों ने देख करके बनाया था, और हमने सुपुर्द भी कर दिया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाना शुरू किया, और इसके बाद आचार संहिता लगा, ऐसे रह गया। अभी हमारी सरकार बनी है, पूरे झारखंड की जनताओं को पूरी इस विश्वास है, उम्मीद है, भरोसा है कि यहां 1932 के आधार पर यहां स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा। अब बना ही नहीं है, और तो और क्या, चुनाव के वक्त में जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें ये सारा चीज समाहित है। मैंने नहीं लिखा उसको, ये पार्टी के लोगों ने लिखा है, और आज उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी हमको भरोसा था आने वाले समय में, एक महीना, दो महीना, अपने तो बोलते हैं कि अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, अध्ययन करिए, अच्छी बात है, लेकिन चुनावी मैनिफेस्टो में है, और इसी बात को मैं बार बार विधानसभा में दोहरा रहा था। तो अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि खतियानी आधारित यहां नियोजन नीति नहीं बनेगा, कोर्ट में खारिज हो जाएगा। अरे आप बनाए नहीं, पहले बनाइए तो, इसके बाद लागू करिए, कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा। और विश्वास है कि कोर्ट से भी आप लोगों को न्याय मिलता, लेकिन नहीं हुआ, बना ही नहीं है। और उसी दिन हमने समझा कि अब दूसरा भी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।